ठीक है जी सोनू, अगर आप एम आई रिमोट को अपनी मी टी वी के लिए सेटअप करना चाहते हो तो कैसे सेटअप कर सकते हो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप सेटअप बॉक्स को भी सेटअप करना चाहते हो, अगर आप वीडियो चाहते हो, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं उस पर भी बहुत ही जल्द वीडियो ला दूंगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको ये एप्लीकेशन चाहिए, एम आई रिमोट के नाम से मिल जाता है, आपके फ़ोन में पहले से ही आएगा अगर आपके फ़ोन में आयर ब्लास्टर होगा तो। अगर आपके फ़ोन में, अगर आपने बाई चांस गलती से डिलीट कर दिया है तो आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के साथ ही आपको एक एग्री का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको एग्री पे क्लिक करना है। जो भी परमिशन लेता है आपको परमिशन देते जाना है, ठीक है गाइज। सुबह जैसे कि देख सकते हो मैंने सभी परमिशन दे दिए हैं। परमिशन देने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा एड रिमोट का, एड रिमोट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स देखने को मिल जाएंगे जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो इस रिमोट के थ्रू। तो यहाँ पे मेरे को मी टीवी से कनेक्ट करना है, तो मैं नॉर्मली मी टीवी पे कनेक्ट करूँगा। वैसे गाइज यहाँ पे कुछ जो बॉक्सेज हैं और मी टीवी हैं वो वर्क नहीं करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही जाओगे तो नीचे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मी बॉक्स 3 प्रो ऐसा कुछ नाम है जिस जो ये वर्क नहीं करता है, और कुछ मी टीवी हैं जिनमें भी ये आयर रिमोट वर्क नहीं करता, तो इसका ध्यान रखना। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पेड का, तो पेड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पेड पे क्लिक करोगे आपका जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं पेड पे अब क्लिक कर लेता हूँ। सुबह जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने पेड पे क्लिक किया, पेड पे क्लिक करने के बाद एडिट सक्सेसफुली, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रिमोट देखने को मिल जाता है जिससे आप अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। वैसे गए जब भी आप इसे कंट्रोल करोगे तो आपको यहाँ पे जस्ट सामने ले जाना होगा जैसे आप रिमोट को करते हो, क्योंकि आईआर रिमोट है, पहले के जो डिवाइस आते थे उससे ये अच्छी तरीके से वर्क कर सकता था, किसी भी डायरेक्शन में करके आप यूज कर सकते थे। लेकिन अभी जो आईआर रिमोट आ रहा है, जो नए स्मार्टफोन है, उनमें ये वर्क नहीं करता, आपको सामने ले जाना पड़ेगा जैसे हम रिमोट से करते हैं आईआर रिमोट से। सो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, बाकी अपने सुझाव देना नीचे कमेंट बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।